वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि, राखी सीरीज़ के का ये थर्ड डे है और तीसरे दिन पे हम बात करेंगे कि हमने सूट की बातें कर ली, ड्रेसेस की, ड्रेसेस कैसे करेंगे और अपना फेस क्रीम कैसे करेंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक ड्रेस हैं, जैसे कि सिंपल प्लेन कोई ड्रेस हो आपके साथ पास, तो आप कैसे उस ड्रेस को अपने ज्वेलरी के साथ मैच करके पहन सकते हो। तो वो आप आज मैं आपके साथ ज्वेलरी शेयर करने वाली हूँ जो कि ईयरिंग है। आज मैं आपको सिल्वर ईयरिंग्स दिखाऊंगी अपने, जो मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, पर मैं इस समय आपको राखी पे कैसे उसको रीयूज़ करना है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि मैं कैसे आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। अभी हम लोगों के पास जो ड्रेसेस है वही हम लोग ड्रेस करने वाले हैं। तो अगर आपके पास जैसे कि ब्लैक या येलो, सही लड़कियों के पास और लेडीज़ के पास होते हैं कुछ स्पेसिफिक कलर्स जो कि सबके पास होते हैं, जैसे कि ब्लैक, येलो, ब्लू या कोई भी प्लेन ड्रेस हो आपके पास जिसके साथ आपके साथ का जो मैं दिखा रही सिल्वर ज्वेलरी मैच हो सके, तो आप उसे पहन सकते हो। जैसे मेरे पास ये एक ईयर रिंग है, ज्वेलरी इसको बोलते हैं, जंग ज्वेलरी, तो ये मेरे पास एक है। जैसे कि इसको भी आप, अगर आपके पास इस तरह का है तो ऐसा नहीं, अगर आप मान लीजिए प्लेन ड्रेस पहन रहे हो जिस पर कोई वर्क नहीं है तो आप इसको आराम से पहन सकते हो। ऐसा कोई हैवी वेट नहीं है इसका कि आप नहीं डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, देख सकते हो आप इस तरीके से इसे पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। ठीक है, ये मैं आपको ट्राई ऑन करके भी दिखाऊंगी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास है क्या क्या चीज़। ठीक है, तो एक ये हो गया जिसे आप अपने प्लेन ड्रेसेस के साथ पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई थ्रेड वर्क ड्रेस है आपके पास, जैसे कि थ्रेड का वर्क हो उस पर आजकल चला हुआ है, तो वैसा अगर हो तो भी आप इसे पहन सकते हो। बस आपको डिसाइड ये करना है कि उसमें वर्क किस तरह का है, सिल्वर ज्वेलरी चलने वाला है या फिर गोल्डन ज्वेलरी चलने वाला है, जो भी उससे मैच करेगा आप उस पर पहन सकते हो। तो एक मेरा ये हो गया, ज़्यादा प्यारा है, मेरा फेवरेट है। ये देखिए, ये भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, मैं जो भी आपको दिखाऊँगी वो सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रहेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, आप इसे देख सकते हो। ये हो गया, ये भी बहुत प्यारा है, आप इसे भी कैरी कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी प्लेन है तो। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसमें इस तरीके से छोटे छोटे से घुंघरू लगे हुए हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा लुक देंगे। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये, तो आप इसे भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। कुर्ती या साड़ी किसी भी चीज़ के साथ, ऐसा नहीं है कि ये ज्वेलरी टीनेजर्स या फिर लेडीज़ पहन सकती हैं, लड़कियां नहीं पहन सकती, सारे लोग इसे कैरी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक ये हो गया, और दूसरा जो थर्ड ऑप्शन मेरे पास है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कहीं बाहर नहीं जाना है तो हल्का फुल्का सा ही कुछ डाल लें, तो ये एक ऑक्सीडाइज है मेरे पास, टॉप्स है ये, मुझे बहुत पसंद है ये वाला टॉप्स, तो आप इसे भी पहन सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ ऐसे सिंपल से आपको डाल लेना है अगर आपके पास कोई, आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे पहन सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। तो थर्ड ऑप्शन ये हो गया हमारे पास, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा है, उसे भी आप आजकल तो ये ईयरिंग्स सबके पास होते ही हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये देखो, मल्टी कलर का है, ये हर कलर के साथ जाएगा अगर आपके पास कोई सा भी ड्रेस है तो। आप देख लीजिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो आप इसे भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। ऑप्शन जो है वो भी बहुत अच्छा है, अगर आपके पास इस तरीके का झुमका है, ईयरिंग है, तो आप वो भी पहन सकते हो, ये भी बहुत प्यारा लगेगा। ये भी अच्छा डिटेलिंग, इसका डिटेलिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें भी घुंघरू लगे हुए हैं, तो ये बहुत सुंदर है ये।
फिफ्थ ऑप्शन ये हो गया आपके पास, ठीक है। सिक्स ऑप्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मल्टी कलर का है। मल्टी कलर का अगर आपके पास है तो फिर सोचना ही नहीं है, आप आराम से कैरी कर सकते हो। ये देखो कि इसमें हल्का हल्का सा चेन ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे ये मोती लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से कलरफुल मोती हैं जो इससे मैच करते हैं। और इसमें मीना टाइप ऑफ वर्क है, मीनाकारी जैसे जिसे बोलते हैं ना, मीनाकारी। ये देखो मीनाकारी वर्क है इस पे, आप इसे पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिलीव मी, अगर आपके पास कोई भी प्लेन ड्रेस है तो आप उसके साथ ये कैरी कर सकते हो। अब मैं इन सारी इयररिंग्स को आपको ट्राई ऑन करके दिखा देती हूँ। मेरा जो पहला वीडियो है था राखी पे, वो है मेरा एक कुर्ती के साथ कैसे मैं अलग अलग लुक करके मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। रक्षाबंधन लुक बुक है मैंने बनाया हुआ है। और सेकंड जो मेरा वीडियो है वो मैंने फेस क्लीनअप कैसे करना है घर पे वो बताया हुआ है। तो ज़्यादा और ये जो थर्ड वीडियो है वो मैंने ज्वेलरीज के ऊपर बताया हुआ है कि आप कौन से इयररिंग पहन सकते हो राखी पे, इस राखी पे जो आपके पास हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और मैं 7 दिन की सीरीज़ लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि राखी पे आपका बहुत हेल्प हो सके, तो आपको बाहर ना जाना पड़े, घर पे ही रह के आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो प्लीज़ घर पे रहें और अपना ख्याल रखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और मेरे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तुम अभी तक अपना